सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के क्रिप्टिक्स। कैसा आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के 17 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है ड्रीम त्रिपुर और बेलसी त्रिची के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 25 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:15 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी SCF क्रिकेट ग्राउंड सलीम इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो ही पहली टीम अगर आज ड्रीम त्रिपुर की बात की जाए तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम बेलसी त्रिची की बात की जाए तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है और 1 मैच टाई करके आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आई टीम त्रिपुर 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करना लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे अभी तक दोनों टीम एक दूसरे के सामने अभी तक नहीं खेली है, तो यह फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा जो दोनों के बीच में हेड टू हेड होगी। तो ये तो पढ़ते हैं फिर, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 3 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहाँ पे आई टीम त्रिपुर का 40% देखने को मिल रहा है, तो वहीं बेलसी त्रिची का 0% देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो जहाँ पे आई टीम त्रिपुर का 127 है, तो वहीं बेलसी त्रिची का 125 है। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो आई टीम त्रिपुर का 158 है, तो वहीं बेलसी त्रिची का 139 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो आई टीम त्रिपुर का 73 है, तो वहीं बेलसी त्रिची का 117 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन के मामले में आई टीम त्रिपुर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, हर एक तरह से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसी रहेगी, तो क्लाउड एंड सन यानी थोड़ी बहुत मौसम लगभग क्लियर ही रहने वाली। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 30.3 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 61% रहेंगे, वहीं 18% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 9 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 130-140 तक रन जा सकते हैं। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 100-110 रन में भी जा सकते हैं। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर वहीं अगर डिफेंड करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी रन स्कोर बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लो स्कोरिंग पिच है। इस पिच पे जितने भी अभी तक मैच खेले हुए हैं, अधिकतर मैच चेस करने वाली टीम जीती है। वो भी डिपेंड करता है उस टीम के कैप्टन के ऊपर। अगर कैप्टन टॉस जीत के सही डिसीजन ले सकते हैं तो मैच भी अपने नाम ले जा सकती है। तो काफ़ी अच्छा होगा ये भी मैच, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम आई ड्रीम त्रिपुर की बात की जाए तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन अच्छा देखने को मिल सकता है अगेंस्ट बेलसी त्रिची के। अगर वहीं दूसरी टीम बेलसी त्रिची की बात की जाए तो नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट अपना 2 के 2 मैच अपना हार के आ रही है। तो यहाँ पर अपना बेलसी त्रिची को बॉलिंग और बैटिंग दोनों सुधारने की ज़रूरत है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का एक्सपेक्टेड के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम आई ड्रीम त्रिपुर के की प्लेयर की बात करें तो NS चतुर्वेद, विजय शंकर, अजीत राम, तुषार रहेजा। वहीं दूसरी टीम बेलसी त्रिची के की प्लेयर की बात करें तो गंगा श्रीधर, राजू, मणि भारती, एंटोनी दास, जफर जमाल। तो ये हैं दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाता है स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए आई टीम त्रिपुर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।